गोलघर गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में बलदेव प्लाजा, गणेश चौराहा और चलकल बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक साथ। इसकी जिम्मेवारी इसके बाद 23 नवंबर 2007 को कचहरी ब्लास्ट हुआ और उसमें लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी इसमें एक साथ सीरियल ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल। इसकी जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन और उसके साथ साथ हरकत उल इस्लामी और इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेवारी ली थी और जिम्मेवारी लेकर के कहा था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन दशाश्वमेध घाट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट, नई दिल्ली में सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और भारगंज के बॉम्ब ब्लास्ट और इसके साथ साथ संकट मोचन वाराणसी के बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट, इन सब की जिम्मेवारी उन्होंने ली। इसमें दो लोग पकड़े गए, एक का नाम था हाकिम तारिक कासमी और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। ये दोनों इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले लोग थे और इनके ऊपर ये सारे केस गोलघर गोरखपुर बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर और ये ट्रेन का, श्रमजीवी का, लोकल ट्रेन का, सारे बॉम्ब ब्लास्ट के इनके ऊपर केसेस चले। 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ इन सारे केसेस को विड्रॉ किया और इन सारे केसेस का विड्रॉ करने में उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव, अब मैं यहां पर गोरखपुर की जनता से पूछना चाहता हूं, ये आतंकवादियों को बचाने का काम सामाजिक सद्भाव है? ये आपकी राष्ट्रीयता है? ये आपकी सोच है? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट को जिसने केस विड्रॉ नहीं होने दिया, केस लगा गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने और वाराणसी के स्पेशल कोर्ट ने, चार जिंदगियों की आजीवन कारावास तारिक कासमी को सुनाई। खालिद मुजाहिद की लू के कारण मौत हो गई जेल में ही, लेकिन तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास हुआ। इसका केस को विड्रॉ करने का काम 26 अप्रैल 2012 को श्रीमान अखिलेश जी ने किया। दूसरी घटना बताता, तारीख नोट कर दीजिए, 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात और सुबह सीआरपीएफ के कैंप पर रामपुर में AK-56 से अटैक हुआ। इस अटैक में 7 जवान मारे गए, 7 परिवार विधवा हो गए, बहनें विधवा हो गई, माताएं गोदसूनी हो गई, परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। एसटीएफ यूपी और एनआईए ने नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन लश्करे तोयबा का भारत का कमांडर इन चीफ था, बिहार का रहने वाला। अखिलेश जी ने यही 26/12/2012 को इनको भी माफी दी और ये केस विड्रॉ किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। पूछताछ हुई शहाबुद्दीन से, 7 लोग पकड़े गए, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। मैं आपके सामने अखिलेश जी से पूछता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई,
भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई। आप गोरखपुर जब आए तो मेरी बातों का आप जवाब दें, मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने रखा और मैंने तारीख बताई, और मैं चाहता हूं और मैं सारे इलाके में इस बात को रख रहा हूं। कल मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, मैंने उस समय कहा था कि ये एक इस अखिलेश जी को माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा दोष है। और मैं जनता से पूछना चाह रहा हूं और आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जिन्होंने संविधान की शपथ ली हो वो आतंकवादियों की रक्षा करें, क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के शासक बन सकते हैं? इसलिए मैं इन मुद्दों को लेकर के, सुरक्षा का मुद्दा ये छोटा मुद्दा नहीं है, आप बताइए मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को उन्होंने घर में बुलाकर अपने प्लेन पर बैठाकर घर बुलाकर के भोजन कराया था कि नहीं कराया था? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरे पास वो नाम अभी नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट में अहमदाबाद 70 मिनट में 6 बॉम्ब ब्लास्ट, देश के इतिहास में 3 दिन पहले 38 लोगों को सजाए मौत हुई, 38। उस 38 में से एक मोहम्मद सैफ है, मैं नाम गलत हो सकता है शायद इस समय, लेकिन कोई जो भी नाम है, उस नाम के सज्जन के पिताजी अखिलेश जी के साथ दिखते हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक्टिविस्ट थे। समाजवादी का आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? समाजवादियों के लिए आतंकवादी इतने प्रेमी क्यों हैं? इसलिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और सुरक्षा के मुद्दे को भी लेकर विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग। और मेरा चार्ज है कि अखिलेश जी को सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश विनाश में जाए कोई आपत्ति नहीं, और योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास, मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, कुशीनगर का एयरपोर्ट, आप देखिए 5 साल में कितनी तस्वीर बदल गई है। अभी ये गोरखपुर सर्किट बुद्ध सर्किट, ये कुशीनगर का बुद्ध सर्किट बनेगा, उसके बाद गोरखपुर से लेकर के इस जगह की तस्वीर कैसे बदलेगी? और विकास के लिए एक नया आयाम लेकर के चलने की बात है। तो आपके माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप गोरखपुर में तो विजय हासिल कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी आवाज और आपके माध्यम से हमारी आवाज सारे पूर्वांचल, सारे गोरखपुर क्षेत्र, इस सारे इलाके में सभी विधानसभा में, और मैं इलेक्टोरेट से हूंगा कि न जात पर न पात पर भारतीय जनता पार्टी के काम पर वोट देना है। ये जो और उत्तर प्रदेश की जनता सजग हो गई है, उसको मालूम है कि उसका भविष्य इसके साथ सुरक्षित, वह मोदी जी और योगी जी के साथ सुरक्षित है। तो मैं अपनी बात यहीं पर